झिरपारी पेरिस महापरि मंडली यूट्यूब में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के दिन 13 त्रिनेतातिस रविवार ये गिरजा उपासना का आरंभ करते हुए गाएंगे और गाने के पूर्व में मंडली की ओर से सबों को यीशु सहाय। आइए हम पवित्र आराधना का आरंभ करेंगे और गाएंगे सच्ची वाणी से यीशु का गुणानुवाद सच्ची वाणी 171। एक ही प्यारा है हमारा परम हित और प्राण का नाम। उठिए परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनता से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मार देते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मर्दी उठिए, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। तेरे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। महान यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे एक को जीवतों की संगति में रखा और संगति के साथ मिलने का अवसर दिया। इस महा कोरोना के कारण से सब लोग भयभीत हैं, पूरा विश्व भयभीत है, हम देशवासी भयभीत हैं, मनुष्य जाति भयभीत हैं। ऐसे घड़ियों में तुझे पुकारते हैं बचाने वाला यीशु ख्रीस्ट, तू इस धरती को तू आप इन सारे रोगों से मुक्ति कर दे, मुक्ति दिला दे। तेरे नाम के निमित्त दुहाई देते हैं, जैसा तूने कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, निश्चय जो मांगते हैं उसके लिए तू देता है। प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि इस महामारी रोगों से बचाए रख, हर एक उनको बचाए रख, सेवा करने हारे कर्मियों को तेरे हाथों में जिमा करते हैं। प्रार्थना है कि हम हर एक को बचाने के लिए पुत्र यीशु ख्रीस्ट को भेजा कि कोई नाश ना होवे, निश्चय रोगों से आज नाश हुए जाते हैं, विभिन्न तरह से हम नाश हुए जाते हैं। हे यीशु ख्रीस्ट, तू आप बचा ले, तेरे सम्मुख में हम अपने आप को रख देते हैं, सभी को तेरे हाथ में रखते हैं, तू ईश्वर पिता बचा ले। पुत्र मसीह यीशु के नाम से ही विनती अनुग्रह से सुन ग्रहण कर दे। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए है, उसको सुनेंगे। जिस तरह से हम लोगों का लिए पंजिका के अनुसार दिया हुआ वचन है, पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 25 कड़ी से लेकर के 37 कड़ी तक। दूसरा परमेश्वर का जीवित वचन जकरिया 7:8 से लेकर के 14 कड़ी तक। जैसा पढ़ने के लिए वह कलीसिया की ओर से निर्देश है, पढ़ने में अगुवाई दे। आज का पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय
पद संख्या 25 से 37 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यों लिखता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यहाँ तक, आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है, जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय पद संख्या 8 से लेकर 14 पद तक। परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुँचा, सेनाओं के यहोवा ने यूँ कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दीन जान पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे के हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर
देश को उजाड़ दिया यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीस्ट यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य उच्चारण करते हुए एक साथ यूं कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से सर्वजीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर, आमीन। मंडली बैठ जावे, आइए हम दूसरा गाना को गाएंगे, सच्ची वाणी ही से हम गाएंगे 317 हर अवसर के गीत भजन 317 सच्ची वाणी, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पार करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया को
मंडली उठिए, तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा परमेश्वर पिता, इसी सारे भूमंडल का रचने वाला तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर एक जन को मानव के रूपों में तूने जन्म दिया और विशेष उद्देश्य से जन्म दिया, और इस विशेष उद्देश्य को तो अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता। नर नारी के रूपों से सृज करके तूने इस्तेमाल करना चाहता। फूलने फलने की आशीष, उन्नति करने की आशीष और तेरे नाम की महिमा पृथ्वी के कोने कोने में फैले फैलाने के आशीष हर एक को दिया, मानव जाति को दिया, कि मानव जाति होकर के तू सृजनहार यहोवा परमेश्वर तुझे सदा धन्यवाद करते रहे। ले सत्यता इस पवित्र वचन का गुण भेद बातों को आज के दिन में तू रख दे, वचन में आशीर्वाद दे कि हम सुन सके और ये सत्यता तेरे वचनों को अपने हृदय में देकर से रख सके। आशीर्वाद दे प्रभु हमारे हर एक भूल चूक अपराधों को क्षमा कर। ये धन्यवाद का विनती अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दे। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए जो ठहराया हुआ वचन को सुनेंगे, जो उपदेश वचन के निमित्त है, वह गलतियों के नाम और उस प्रीत की पत्री और उसके तीसरा अध्याय और उसके 15 कड़ी से लेकर के 22 कड़ी तक। गलतियों के नाम पौलुस की पत्री उसके तीसरा अध्याय और उसके 15 कड़ी से लेकर के 22 कड़ी तक परमेश्वर का जीवित वचन हमें यो कहता है, सुने। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि निराश व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है, तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे
जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए भाई और बहन, आज का शुभ संदेश पवित्र वचन में जो है उसको सुनेंगे। ख्रीस्ट में प्यारे भाई और बहन और प्यारे बेटे और बेटियों, आज 13वां तिरनीतातिस रविवार है। इस तिरनीतातिस रविवार में परमेश्वर का जीवित वचन हमें जो दिया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन दिया गया है। उस वचनों को हम उस प्रतिज्ञाओं से आरंभ करते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा, या तो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोमिस, वाचा या कोविनेंट, या शपथ या मन्नत क्या है, या प्रतिज्ञा या वाचा या शपथ और मन्नताएं या मन्नत मानना क्या है। इस मन्नता, इस शब्दों को समझने के लिए हम इस बातों को समझें कि हम भौतिक रूप से कि वह पृथ्वी में, इतनी बड़ी पृथ्वी में, महादेश से और देश से और राज से सब विभक्त कर दिया गया है, कि वह अपने सीमा रेखा पर वह प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा चुक्ति पत्र पर वह समूचा दुनिया स्थिर रहती है, कि वह सीमाना में से अपने अपने सीमाना के दायरे पर वह उस प्रतिज्ञा को सदा स्मरण करते हैं और इस प्रतिज्ञा को निभाना आवश्यक है। ऐसा करने से शब्द और वचन जीवित रहता है। ऐसा करने से शब्द और वचन जीवित रहता है, रहने वाले लोग शांति से रहते हैं। मैं भौतिक रूपों से स्मरण दिलाऊं कि व्यवस्था विवरण या 27 और 17 कड़ी में सीमा रेखाओं से संबंधित बातों को बतलाता है कि किसी का सीमा को आप जो ठहराया है उसको ना हटाएं। इसी तरह से व्यवस्था विवरण 19:14 के वचनों में से कहता है, इसलिए कहता है, श्रापित हो वह जो किसी दूसरे के सीमाना को हटाए, अर्थात या प्रतिज्ञा या वाचा बांधा हुआ, जीने जागने के लिए दिया हुआ या रहने के लिए दिया हुआ, भौतिक दुनिया में रहने के लिए भी दिया है, उसको वह तो उस सीमाना एक विशेष बातों को स्मरण दिलाता है। सो इसको नहीं हटाना, जो चुक्ति नामा कर दिया गया है उस चुक्ति के दायरे पर रह करके वह तो शांति के साथ रहे और सदा सदा वह चुक्ति नामा का सब प्रतिज्ञा और वचन के अनुसार जीवित रहेगा। जब जब विपत्ति आएगी तब तब वह तो वचन और प्रतिज्ञा पत्र हमेशा वह तो जीवित दिखाएगा। सो भाई और बहन, हम यह प्रतिज्ञा के वचनों को आज हम हमारे लिए जो दिया गया है उस वचनों को हम सुनेंगे, जिसमें वह हमें बतलाता है कि अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता ठहरता है। उत्पत्ति 12:1-4 कड़ी में से
स्पष्ट रूपों से कहता है कि अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जहां मैं तुझको दिखा दूंगा वहां पर तुझे जाना है, तू चला जा और वह तो तुझे आशीष दूंगा और बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष का तू आशीष का मूल होगा। या परमेश्वर का जीवित वचनों के अनुसार अब्राहम ने वह तो हरान से निकल करके कनान की ओर चला और या परमेश्वर उनके साथ साथ रहा जबकि वह अब्राहम अकेले था, पत्नी के साथ गया। ऐसे समय में भी उत्पत्ति 13:16 में से कहता है कि तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। वह तो कहता है नदी के बालू और आकाश गण के तारे गण की तरह तेरे वंशज को बहुत बढ़ाऊंगा। याकूब को भी परमेश्वर ने कहता है इसी तरह से कि वह तो 28:14 में से कहता है तेरे वंश को या धूल के किनकों के समान बहुत बढ़ाऊंगा। इस पर अब्राहम ने विश्वास किया और इस विश्वासता में से उसके लिए बड़ी आशीष दिया और आज वह विश्वासियों का मूल पिता ठहरता है। कृष्ण तारे भाई और बहन आज विश्वासियों का मूल पिता हो करके जबकि वह वचन में से जैसा आता है आया है कि जो वचन गलतियों के नाम पत्री में से आया है जिसमें से कहता है कि हे भाइयों मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उससे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। इब्राहिम को वैसा ही प्रतिज्ञा दे दी और प्रतिज्ञा दे करके वह तो उसको पूर्ण करता है, प्रतिज्ञा दे करके उसको पूर्ण करता है और इस पर अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता ठहरता। सो या मूल पिता अब्राहम उस बातों को स्मरण करता है कि परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। सो या तो जब मूसा के द्वारा से दी गई व्यवस्था सिनाय पर्वत पर दी गई हम पाते हैं कि उस व्यवस्था के अनुसार बार बार चितापन दिया जाता रहा, लोगों को आगाह किया जाता रहा, व्यवस्था सचेत करने के लिए ठहराया गया और इस सचेत के द्वारा से कि पापी मनुष्य पाप की दशत्व को पहचाने। सो इसी निश्चित वचनों के साथ में वह तो जितने नबी लोग भविष्यवक्ता लोग जो हम भविष्यवक्ताओं को किताब में पाते हैं बारंबार चेतावन करते आए कि परमेश्वर के निकट लौटे। इसी वचनों के साथ ही में हम पाते हैं जो वचन हमारे लिए जकरिया नबी की किताबों में से पाते हैं जकरिया का 7:8 से लेकर के 14 में से जो वचन दिया है कि वह इसराइल जाति लोग को कहता है तुम यहोवा पर चित लगाना ना चाहा, तुम यहोवा परमेश्वर के ऊपर में चित लगाना मन लगाना ना चाहा, तुम हठीला मन यहां तक सुनना ना चाहा, कान को मुद लिया जिसका परिणाम है मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। वह आज्ञा को नहीं मानने के कारण से वह तो उजाड़ दिया। भाई और बहन इस वचनों के साथ में पाते हैं कि वह
परमेश्वर के ऊपर में चित्त नहीं लगाने से वह उसका देश वह तो उजाड़ गया। यहां लोगों की उसका जो धर्म का मंदिर था उजाड़ गया। सो भाई और बहन यहां पर इस बातों को स्मरण करते हैं जो पाठ वचनों में हमें दिया जाता कि वह पाठ वचन लूक 10:25 से 37 कड़ी में देता कि एक सामरी के विषय में देता, भला सामरी का दृष्टांत अर्थात तरस खाने वाला व्यक्ति के रूप में ठहरता। भाई और बहन सो यह सामरी से संबंधित कि एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति यात्री था और यात्री व्यक्ति ने यात्रा में या इरिहो से यरूशलेम को जा रहा था। इस दृष्टांत में बतलाता है कि उसमें से डाकुओं ने उस यात्री को लूट लिया, अधमरा छोड़ दिया और वह तो किनारे वह पड़ा हुआ था। ऐसे समय में वह तो उसी रास्ता पर से एक याजक का यात्रा होता है, उसको देखा, पड़े हुए अनमरा व्यक्ति को देखा परंतु वह कतरा करके चला गया। फिर हम पाते हैं कि उसी रास्ता पर एक लेवी वह तो जा रहा था, उसने भी वह तो कतरा करके चला गया। इसी में से कहता है कि एक सामरी व्यक्ति आता, उस सामरी व्यक्ति जो अन्य जाति था, इसराइलों में से नहीं था, वह उसने उसको देखा कि वह अलमरा पड़ा हुआ है और उसको वह देख करके उठाया, तरस खाया और उठा करके वह तो सराय में ले गया और वहां पर वह तो अशुद्ध या अशुद्ध या दवाई के लिए व्यवस्था किया। इसी तरह से उनको भटियारे को 2 दिनार दे करके कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो लगेगा मैं लौटूंगा तो लौट उस समय तुझे भर दूंगा। तो उसका पड़ोसी अर्थात उस यात्री का पड़ोसी कौन था? निश्चय वही जो तरस खाया, उस व्यवस्थापक को जो धर्म का सब कुछ जानने वाला था, उस व्यक्ति को कहने लगा। उस व्यवस्थापक को अपने ताई धर्मी ठहराने के लिए यीशु से प्रश्न किया कि व्यवस्था में तो क्या लिखा है और व्यवस्था में क्या लिखा है, मैं इन बातों को सबको मानता हूं और इन सारे बातों को मानता हूं। और कहता है कि इसी बातों में से कहता है कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। निश्चय अपने ताई धर्मी ठहराने के लिए वह व्यवस्थापक ने कहा आ इन बातों के साथ में जो अधमरा उस यात्री को वह तो तरस खा करके उठाया और उठाने के क्रम में उठाने के बाद में वह तो उसके लिए सेवा शुद्ध किया गया। तो उसका कहता है उसका पड़ोसी का उठारा और वही व्यवस्थापक जो कि व्यवस्था का जानने वाला था, शास्त्र का जानने वाला था, उसको कहता है तो उसका पड़ोसी कौन था रहा? कहता है वही जो वह तो उठाया। तो कहता है जा तू भी वैसा ही कर। भाई और बहन मैं स्मरण दिलाता हूं आज परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए कैसे वह तरस खाया, वह अपनी या तो तरस खाने की बातों को पाते कि वचन में से
सीधे कहता है कि जब वह बचाने वाले के विषय में भविष्यवाणी की जाती है, नबूवत की जाती है या मसीह आने की बातों को वह दी जाती है, उस दी जाने वाले वचनों में से पाते हैं जिसमें से वचन स्पष्ट रूपों से कहता है, जो कि हमें मिलता है वचन साफ साफ देता है, जिसमें से यशायाह 9:5-6 कड़ी, यशायाह 7:14 कड़ी, जिसमें से कहता है कि तुम्हारे बीच में एक ऐसे मसीहा उत्पन्न होगा और वह जगत का उद्धार करता होगा और वह जगत का उद्धार करता होकर के जगत को बचाएगा। निश्चय वह तो बहुत वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। हम स्मरण करते हैं कि पुराना नियम मलाकी से नया नियम के अंतराल में या 430 वर्ष होते हैं। और इस 430 वर्ष में होकर के भी परमेश्वर का जीवित वचन नहीं दबा और नहीं डाल करके परमेश्वर ने वह जगत को प्यार करता है। प्रतिज्ञा के अनुसार वह तो अपने पुत्र को भेजता है। यूहन्ना 3:16 में पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, या उस पर विश्वास करने वाले लोग अनंत जीवन पाए, अर्थात पुत्र यीशु ख्रीष्ट जगत में भेज दिया, उसी पर विश्वास भरोसा रख करके चलते। आज हम ख्रिस्तान होकर के, ख्रिस्तानी कलीसिया होकर के जीवित होते हैं। भाई और बहन, हमारे लिए या कलीसिया विश्वासियों का झुंड या कलीसिया बुलाए हुए लोगों का झुंड या बपतिस्मा पाए हुए लोगों का झुंड, और इसका सिर तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जिस तरह से शरीर के अंग में वह अनेक सारा शरीर के अंग रहते हैं, इसी तरह से कलीसिया के जिंदगी में अनेक कलीसियाओं को पाते हैं। वह एक अलग अलग हो करके भी हम अलग नहीं है, इसी क्रम के साथ में कि आज यीशु ख्रीष्ट जगत में पापियों को बचाने के लिए आए। सबका उद्देश्य है कि वह मंगल वचन को बना सुनाए, मंगल सुसमाचार को सुनाए, और जो पापी हैं वे बचाए जाएं, जो पाप की दशा में हैं सो बचाए जाएं। इसीलिए कहता है कि आज प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं ठहरा। सो भाई और बहन, जबकि आज यीशु आकर के मृतकों में से जी उठ करके हम जानते हैं कि वह तो उसको निर्दोष और निष्कलंक रहा, और वह तो किसी तरह से अपराध नहीं किया, और उसने तो वह तो पापियों के संग गिरा गया, लोगों ने ना पहचाना, क्रूस की मृत्यु दी और वह तो कब्रों में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा और वह जी उठने के बाद में वह तो स्वर्ग पर उठा लिया गया। सो आज हमने एक बड़ी आशीषों को देकर के गया है कि वह हमको सेंट मेंट धर्मी ठहराता है। पापी लोग, पापी मनुष्य उसके चरण में आते हैं, उसके निकट आते हैं, वह बचाए जाते हैं, अर्थात व्यवस्था तो पाप का पहचान करता है, सचेत दिलाता है, सावधान रखता है, परंतु आज हमको यीशु के द्वारा से हमको धर्मी ठहराया जाता। रोमी 3:23-24 में कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से सेंट मेंट तुम्हें धर्मी ठहराता है। सेंट मेंट अर्थात
तो सचमुच उस व्यवस्था और आज्ञाओं के कारण से हम और दुनिया के लोग नहीं बचाए जा सकते, और इसी व्यवस्था में से हम तो पाप के दस तत्वों में रह करके उद्धार नहीं पा सकते। यीशु ख्रीस्ट के द्वारा से, क्रूस मृत्यु के द्वारा से हम हर एक को उद्धार मिलती है। इस निश्चित बातों के साथ ही में कि परमेश्वर हम हर एक के ऊपर में दया की तरस खाया, इस पृथ्वी के ऊपर में तरस खाया और पुत्र यीशु ख्रीस्ट को दे दिया। स्वयं वह तो पुत्र का रूप धारण किया, वह पुत्र का रूप धारण करके जगत में डेरा किया, और वह तो इस धरती में से, वह तो उद्धार के बाद तरस खाने वाले प्रभु हर एक को वह उठाता। जो लोग उनके निकट आते हैं वह उठा लिए जाते हैं। रोगी व्यक्ति आते हैं वह तो चंगा किए जाते हैं। उनके यीशु के पास आने वाले लोग, चाहे लंगड़े, अंधे या तो असाध्य रोग से वह पड़े हुए लोग, विभिन्न रोगों से पीड़ित लोग, वह तो रोग से पीड़ित वह बचाए गए। आज भी आवश्यकता है उनके निकट आने वाले लोग बचाए जाते हैं। विभिन्न अशांति से पड़े हुए लोग उनके निकट आते हैं, वह शांति देता है। वह इस धरती का लौकिक जीवन की आशीष और शांति अब स्वर्गीय शांति को देता है। इसीलिए आज मनुष्यों के लिए एक विशेष बातों को स्मरण दिलाता है। वह परमेश्वर वह नाश होने से वह तो वह तरस खाया। उत्पत्ति नामक किताब 9:13 में कहता है, जो वचन में से कि जल प्रलय के समय में अपने बनाए हुए लोग वह नाश हो गए, और उनमें से नूह का परिवार बचाया गया, और बचाने के निमित्त में कहता है वह मनुष्यों के लिए तरस खाता, और तरस खाने के निमित्त में वह तो फिर जल प्रलय आ नहीं होगी, और उनके लिए वह तो एक चिन्ह के रूप में इंद्रधनुष को ठहराया। वह तेरे और मेरे बीच का एक चिन्ह ठहरेगा। आज भी मनुष्यों को बचाने के लिए या चिन्ह के रूप में यीशु ख्रीस्ट है। जो मनुष्य उसके निकट आते हैं वे सब बचाए जाएंगे। पापी मनुष्य बचाए जाएंगे, रोगी मनुष्य बचाए जाएंगे, विभिन्न चिंताओं से पड़े हुए लोग बचाए जाएंगे। आज भी बुलाता है, कहता है मत्ती के रचित सुसमाचार के 11 उसके वा तो 28 कड़ियों में से कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो निश्चय प्रभु आज हमको बुलाता है, तरस खा करके बुलाता है। सो हर एक भाई और बहन के निकट आए, किसी स्तर पर क्यों ना रहे, परंतु आज वह प्यार करता, प्रेम से बुलाता है, प्रेम से बुलाता है कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर अधिकारी से इस वचन में आशीष दे दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान यहोवा परमेश्वर पिता, तूने हमारे एक के लिए तूने उद्धारकर्ता के रूपों में दिया, और अपने उद्धारकर्ता का चिन्ह पुत्र यीशु ख्रीस्ट को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो। निश्चय यीशु ख्रीस्ट जिस जगह पर, जिस कोना में क्यों ना रहते हो, लेकिन जब जब वह पुकारेंगे तब तक उनकी प्रार्थना को सुन लेना, संकट के घड़ी में सुन लेना, विपत्ति के घड़ी में सुन लेना, और उनको सहायता करना। और ईश्वर प्रार्थना करते हैं, जो तेरे निकट आते हैं कोई भी भले वस्तु की घटी उनके जीवन में ना होने पाए। दयालु ईश्वर पिता, इन महान आशीष और आशीषों को तो हर एक के लिए तू दिया करना, मानव जाति के लिए दिया करना। लोग पछता करते हुए तेरे निकट आए, वह व्यवस्था
जो एक पूरक के रूप में ठहरता है, निश्चय व्यवस्था में बने रहे, परंतु धार यीशु ख्रीष्ट में आया उस बातों की निश्चयता के साथ यीशु ख्रीष्ट ही हमारे एक को पवित्र करता, धर्मी ठहराता। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती करते हैं कि यीशु पिता ऐसा ही होने दे। या प्रार्थना अनुग्रह से सुन और ग्रहण कर दे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही हम प्रत्येक के मन हृदय की रक्षा रखवाली करे, अब से लेकर सदा हो। आमीन। मणिजी बैठ जाओ। हम पवित्र गिरजा उपासना के अंतिम चरण में हैं। तीसरा गीत हम जाएंगे डंडी में से, कुड़ुक डंडी, प्रभु संगे मिसना अरा आस गही ओम्मा, कुड़ुक डंडी 179। नीन जिया पाड़ाए मसीसी, आस निंगन बचाब ओस नरकती, नीन जिया पाड़ाए मसीसी। नीन जिया पाड़ाए मसीसी, आस निंगन बचाब ओस नरकती, नीन जिया पाड़ाए पाती नी।
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्माण उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं मंत्रिमंडलों सब न्यायों और हाकिमों सब राज कर्मचारियों को आशीष दिए और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के मुख्य सचिव, कलीसिया के मिनिस्टर सचिव, कलीसिया के वित्त सचिव और कलीसिया के पदाधिकारियों सभी कार्यकर्ताओं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस पवित्र मंडली को तेरी इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों पर शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थान को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी के काम उद्यम और व्यापार बिजनेस के काम उद्यम या तो मजदूरी के काम उद्यमी को ईश्वर पिता तू संभाल और आशीष दे और उनको सुरक्षा दे कि वह अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकृति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे दयालु ईश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, तू ही हमारे संग होकर के आशीर्वादित कर। विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर पिता इस महा कोरोना के कारण से हम दुनिया वाले भयभीत हुआ जाते हैं। ये आकाश तेरी है, पृथ्वी तेरी है, विभिन्न तरह से दवाई बनाने के लिए, अशुद्ध बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए दुनिया लगे है। तेरी क्या इच्छा है मैं नहीं जानते हैं, परंतु ईश्वर पिता धरती को तूने बनाया है अपने महिमा के लिए। बनाने हारों के संगी तू हो दे कि ईश्वर पिता वह सफल हो, साथ ही साथ में तू तो हमारा वह तो भला वाइद है। ईश्वर पिता हर एक उनके लिए जो जो पुकारते हैं तुमको सुन करके इन सारे सभी रोगों से मुक्ति दिलाना, दे करके शांति देना। प्रभु रोग दुख से, विपत्ति से, परीक्षा की घड़ी से, सब बातों से जो जो पुकारते हैं उसको सुन करके उसको छुटकारा देना। हे ईश्वर पिता, पिछले समय संभाला है, आने वाले समय में भी संभालते हुए ले चल। प्रार्थना करते हैं हमारे या मोहनपरी मंडली, हमारे या झिपानी पेरिस, हर एक मंडली के प्यारे प्रचारकों को और उनके परिवारों को, जितना पांच गण है उनके साथ, जितना भाई और बहन है, युवा संघ, महिला संघ, संदेश स्कूल, सब को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हे ईश्वर पिता, सबके साथ होकर के आशीर्वादित कर। जितना भी मित्र मंडली और कलीसियाएं हैं अड़ोस पड़ोस में जो तेरे निमित्त प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर पिता, उनकी प्रार्थना के अनुसार भी तू पूर्ण करते हुए ले चल। प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता, विभिन्न जाति धर्म वंश के लोग जीवित हैं और वे भी पुकारते हैं, तुझे पुकारते हैं, उसके पुकारने पर सुन करके उनको छुटकारा देना। प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि जो मंडली से परदेश में रहते हैं, कितने प्यारे लोग परदेश में चले गए हैं, जीविका के लिए चले गए हैं, जहां जहां गए हैं, रक्षा कर ईश्वर पिता, बाल बच्चों की रक्षा कर, आने जाने में रक्षा कर, जीविका में आशीर्वाद दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कितने प्यारे बेटे बेटी बेरोजगार की अवस्था में हैं, ऐसे गरीब ने तुझे
प्रभु विनती करते हैं उनके साथ रात आदि से पिता आप रोजगार के लिए मुहैया उत्पन्न कर जिसके द्वारा से हे ईश्वर पिता प्रतिदिन की आहार लालन पालन के लिए तुमको देते हुए ले चलना। प्रार्थना करते हैं जहां जहां इंटरव्यू के लिए जाएंगे बैठेंगे तू ईश्वर पिता सफल दे कि वह बेटा बेटी लोग कोई भी बेरोजगार ना रहने पाए परंतु तू उनके साथ होकर के आशीष देना। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो दर दर भटकते हैं उनके लिए भी विनती है जो पुकारते हैं तुमको सुनना। हे कहता है हे सब भूलने वाले भटकने वाले लड़कों लौट आओ निश्चय सुख्रीष्ट कहता है कि मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा आज जो पुकारता है उनको जीवन को सुधार दे। हे ईश्वर पिता जो मंडली में से छोटी सजा अवस्था में रखे गए हैं पश्चाती मंदिर और जो लोग विधवा विधुर हैं उनके रक्षा कर सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो उजाले में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको पश्चाती मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और अपना कुशल तुझे देवे आमीन। सभी महापली मंडली के भाई बहनों को युवा संघ को इस सेवा के निमित्त में सबको पुरोहित होकर के सब हमको शुभकामना देता हूँ और सब हमको यीशु सहाय के साथ अंत करता हूँ। यीशु सहाय।